देखिए संतूर, मैं मेरी एनालिसिस जो है मैं हिस्ट्री के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि हिस्टोरियंस हर चीज़ में अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब कल्चर की बात आती है उनको रिपोर्टिंग ठीक नहीं होती, वो सुनी सुनी बातों पे जाते हैं या जनरल एक आइडिया लगा देते हैं, अपनी किताब के दो पन्नों में उसका जिक्र कर लेते हैं। पर भारत जैसा देश कल्चर के माध्यम में दो पन्नों के हिसाब से नहीं चलने वाला, यहाँ 2000 पन्ने 2 लाख पन्ने भी कम हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि हिस्टोरियंस ये कहते थे कि साहब ये वाद्य यंत्र जो है कश्मीर का नहीं है, इंडिया का नहीं है, बाहर से आया। कब आया यहाँ ये ज़रूरी कहना मैं चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से डील करता है। कब आया सब, ये वर्षा के वक्त आया कश्मीर, चलिए मान लेते हैं वर्षा के वक्त आया। वर्षा 15वीं सदी में है, ऑलमोस्ट 14वीं 15वीं सदी में। शततंत्री वीणा एक साज है जिसमें 100 तार थे, इसमें नीलमत पुराना में भी रेफरेंस है, और वो उसको 2500 साल पहले प्लेस कर लेते हैं, जबकि वीणाओं का इतिहास आता है उसमें। शततंत्री वीणा, सहस्रतंत्री वीणा, दत्तंत्री वीणा, कत्यायनी वीणा, रुद्रवीणा, ऐसे बहुत सारे वीणाएं हैं जिसमें एक वीणा शततंत्री वीणा है। शततंत्री वीणा किससे बजता है? काष्ठ से बजता है, यह काष्ठ है, कलम है, संस्कृत वर्ड काष्ठ है। सौतार है, सौतार हैं। 25 ब्रिज थे, बाद में मेरे फादर ने 27 कर दिए थे, तो मंद्र सप्तक को लाने के लिए, क्योंकि सूफियाना गायकी में मंद्र सप्तक नहीं है, वो मध्य सप्तक तार सप्तक का ही रेंज का गाना है। तो अगर साज की रेफरेंस 2500 साल पुरानी है, सौतार वाला इंस्ट्रूमेंट है, ईरानी वाद्य में शायद सौतार है नहीं, तो वो शततंत्री कैसे कहला जाएगा? यानी अब ये मतलब ये तो टेक्निकल डिस्कशन की बात है, मैं ज़्यादा इनमें यहाँ बयान इसका नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो इंट्रोडक्शन या ये जो रेफरेंस दी गई कि साहब ये इस तरह से आया, ये बेसिकली गलत है। खासतौर पर जब आप कश्मीर का सर्वे करेंगे, एक से एक बढ़कर आपको संस्कृत स्कॉलर वहाँ मिलेंगे। जिस वक्त पर्शियन की भी बात आती हो, आपको एक से एक बढ़कर पर्शियन स्कॉलर आएगा आपके वहाँ हैं। पोइट्री लिटरेचर तब तक फबदा नहीं जब तक कि उसका पूरा सिनारियो संगीतमय ना हो, तब तक वो कभी पॉपुलर नहीं हो सकता, ना ही वो उतना बढ़त कर सकता है, ना ही उसका इतना आप देखेंगे कि इतना वैरायटी ऑफ लिटरेचर आपके सामने आएगा। तो क्या 14वीं सदी तक कश्मीर ब्रोक था? कश्मीर में कुछ नहीं था, वहां सिर्फ खाना पकाना ही होता था और चरीज और ही खाए जाते थे, ऐसा नहीं, बल्कि वहां पे बहुत कुछ था जिसकी देन हमारे भारत देश, भारतवर्ष की पूरी पूरी कंट्री को जिसकी देन है। उसमें संस्कृत लिटरेचर है, उसमें इतना बड़ा सरमाया है वो, और वही देन वहां से ये वाद्य यंत्र भी है जो आया।